and today I'm going to show you that how to make a pinhole camera like this. I'm showing you by here, by candle, matchbox. You can see this type of pinhole camera I have made. वैसे ये जो पिनहोल कैमरा था इसका प्रोजेक्ट मुझे स्कूल में मिला था और मैंने सोचा कि मैं अपने यूट्यूब फ्रेंड्स के साथ शेयर करूं. सो आप देख सकते हो, देखना इसके बीच में ये बटर पेपर है, इसके बीच में रिफ्लेक्शन आएगी. ठीक है, दिस वाज द रिफ्लेक्शन. आप देख रहे हो कैंडल का जो लाइट है वो मतलब की सीधी है बट आगे से उल्टी आ रही है. देखो ऐसे मैं आपको बताऊंगी बनाना पिनहोल कैमरा. सो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए देख सकते हो आप. एक कैंडल और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लाइक दिस जो ऐसा हो और इसमें से मैं सामान रखाऊंगा. ग्लू बॉटल, ग्लू टेप, सीजर एंड इतना ही. और वेट और भी है, मैच बॉक्स चाहिए जिससे हम उसको कर सकते हैं स्टार्ट, वो बन सकते हैं. चार्ट, ब्लैक चार्ट एंड बस नहीं. और एक बटर पेपर लाइक दिस. ये बटर पेपर है जैसे कि आपको, जैसे कि आप ना एम के एग्जांपल याद नहीं आ रहा, जैसे आप कोई कपड़े लेते हैं तो कपड़ों में से जो पेपर सा नहीं होता व्हाइट सा, वो पेपर है, इसे उसके साथ बनेगा ये. सो अब शुरू करते हैं. स्केल की भी जरूरत है कटिंग के लिए. सो लेट्स गेट रेडी फॉर दैट. सो सबसे पहले मैं इस बॉक्स की इस पार्ट को काटूंगी. कैसे, आपने जो इसके इधर वाली रेक्टेंगल ये वाली साइड है इसको आपने वन फिंगर साइड रखना है, अपनी फिंगर या ये वाला पार्ट बस. कैसे आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट यहाँ पे. ओके, इधर से इतना वन पार्ट, दूसरी साइड से भी ऐसे. फिर जो इधर ही साइड आ गई स्ट्रेट साइड, उसमें क्या करना है आपने, उसमें जो है आपने ये टू फिंगर्स वाला पार्ट रखना है. टू फिंगर्स, फिंगर्स का मतलब कि पार्ट, एक फिंगर का टू पार्ट, वन पार्ट टू पार्ट, ये सेकंड पार्ट है. और ये सेकंड पार्ट के यहाँ पे ऐसे रखकर ये आप देख सकते हो मैंने लाइंस लगा रही है. आप ना, आपको ना देखी ये लाइंस. अब मैं इसको कट करूंगी. ओके, कट भी पहले मैं प्रॉपर लाइंस लगाकर फिर कट करती हूँ. इधर से भी उसमें पेंसिल भी जरूरत है, पेंसिल की. ओके, लाइंस लगा रही हूँ. देन अब ये जो लाइंस मैंने लगाई हैं इनको आपने कट कर लेना है. शायद आपको अभी ना दिखे, मैं थोड़ा सा आगे होकर बताती हूँ. शायद ये इनको थोड़ी थोड़ी दिख रही है, ये लाइंस जो है हमने थोड़ा सा इनको कट कर लेना है जहां तक हमने लगाई है. ये पिनहोल कैमरा का ऐसे बनेगा. सो मैं इसको कट करूंगी. आप कटर की भी यूज कर सकते हो, सीजर का भी यूज कर सकते हैं, जो चीज आपके पास अवेलेबल है आप उसी चीज का यूज कर सकते हो. सो मैं पहले सीजर के साथ कट कर दूंगी इसको. केयरफुली कट कर रहा हूँ, मेरी छोटी सीजर ही काफ़ी है इसके लिए, बड़ी की जरूरत ही नहीं पड़ी. पहले थोड़ा सा मैं ना नाइफ के साथ या फिर मैं कटर के साथ भी करती हूँ. ओके, सो मैं इसको कट करके आपको बताती हूँ कैसे ये कट करके आपको कैसे दिखेंगे. लेट्स यू कैन सी. एक बार फिर से बता देती हूँ कैसा इसकी शेप है. रेक्टेंगल शेप का है और रेक्टेंगल ही दिखेगा कटिंग के बाद. ओके, सो ये वैसे बॉक्स तो ना उसका है पर्स का, सो मैंने उसको काट लिया. ठीक है, ओके, अब मैं आपको कट करके बताऊंगी. सो गाइस अब मैंने इसको काट लिया है, देख सकते हो ये जो है वो कटने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा लाइक दिस एज अ फोटो फ्रेम. ओके,
आप जाओ उसके पीछे फोटो फ्रेम बना दो। बस हम पिनहोल कैमरा बना रहे हैं, ये जो मेरा प्रोजेक्ट है क्लास सिक्स के लिए। सो दैट अब मैं हमें क्या चाहिए, मैंने इसको कटर की हेल्प से काटा था, खुद नहीं काटा वैसे, मम्मा से कटवा कर लाई हूँ, क्योंकि इसको ये बहुत हार्ड, अगर आपके पास हार्ड है तो फिर आप बड़ों से कटवाना, इसे मत करवाना। सो ये अब हमारे पास बचे पेपर है और इसे बचे पेपर भी कहा जाता है। इससे अब मैं पूरा जैसे मैंने इसको पेस्ट किया है, इसे अब मैं इसके ऊपर पेस्ट कर दूँगी कि ये प्रॉपर हो जाए। इसको आप टेप की हेल्प से भी पेस्ट कर सकते हो एंड और एनीथिंग। ये टेप है मेरे पास, टेप की हेल्प से मैं इसको कट कर रही हूँ, सॉरी कट करके पेस्ट करूँगी। अब आप देखना मेरा कमाल, फिर बाद में जब आप बनाओगे ना आप भी कहोगे यार सच्ची में इनकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, उन्होंने तो सच्ची में सच बताया था कि आपका बन जाएगा इतना अच्छा। अच्छा नहीं बना ना तो बेशक मेरी वीडियो को डिसलाइक कर देना, मुझे अच्छा नहीं ना बना तो मेरे कमेंट में बताना कि क्यों नहीं, कि आपका क्यों नहीं अच्छा समझा मेरा, क्योंकि आपका किसी कौन सी गलती होगी आपसे ये टेल मी, बताओगे तो फिर मैं वीडियो को थोड़ा सा ना नेक्स्ट टाइम जब कोई चीज़ को ना बनाकर बदली जाऊँगी ना आपके पास, तो फिर ना मेरे को पता चल जाए कि ये गलती नहीं करनी, और अगर ऐसी इसमें ये गलती हुई है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुधार कर बता दूँगी कि मेरे से ये गलती हुई थी और मैंने इस वीडियो को सही कर दिया। ओके इसको बहुत सारे पीसीज में कट करके रखूँगी, क्योंकि निकल गए मुझसे गलती होगी ना, वैसे गलती मत करना तुम भी। ये पेस्ट नहीं हो रहा, इसको पेस्ट करना है उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। ओके इसको पेस्ट इससे मिलकर जब हो जाएगा फिर ये ऐसा ये ऊपर वाला एक्सेस पार्ट को कट करना है, मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। ये पेस्ट जो मैंने कर लिया है ऐसे देख लो, ये पेस्ट होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। मैंने बैक साइड से, हाँ आपको आगे से मतलब बैक साइड से क्या देखो, बैक साइड वाले तो छुप जाएगा इसलिए बैक साइड को जैसा मर्जी करो, मैंने भी ऐसे किया जैसा मर्जी खराब बैक साइड वाला, क्योंकि छुप जाने वाला इसलिए हमें जरूरत नहीं है। ओके सो आगे वाले की ज्यादा जरूरत है, मैंने आगे वाले को अच्छे से बना लिया है। सो अब हमारा मेन पार्ट आ चुका है सावधानी, ये भी नंबर वन सावधानी थी, स्टेप वन, अब ये सावधानी नंबर टू ब्लैक चार्ट। अब ना इसको पहले इसके साथ पेस्ट कर देना ये बॉक्स को अच्छे से ना इसको पहले पेस्ट करो इस बॉक्स को उसके साथ मिलकर टेप के साथ, बेशक आप करो जैसे मर्जी करो एंड एज योर विश। मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ, पेस्ट करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कैसा लगेगा। और ये जो अब मैं आपको बता रही हूँ ये ऐसा दिखेगा पेस्ट करने के बाद, अभी थोड़ा सा पेस्ट हो चुका है निकल गया। अरे यार पेस्ट भी ना होता नहीं अच्छे से, तो इसको ना पेस्ट कर लूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कैसा दिख रहा है। ओके सो पेस्ट होने के बाद दिख रहा है, मैंने ना अपना बच्चा पेपर वाला जो पार्ट है वो कम्प्लीट कर लिया, मैं इसको ये ब्लैक चार्ट के साथ पेस्ट कर रही हूँ। हो रात हो रही है देखो, हो गया वैसे मैं सोचा था मेरे को लाइट ऑन करनी पड़ेगी, रुक रहा मैं भी लाइट ऑन करके आई। चलो लाइट ऑन कर दिया मैं, बस इसको ग्लू निकल जाए यार। ओ भाई ग्लू भाई कहाँ पे फंस गया, निकल गई, दूसरी यूज करनी पड़ेगी। मैं छोटी छोटी इसलिए लाई थी कि मुझे बड़े काम तो मुझे थोड़ा सा ही करना है, ग्लूज मैं इतनी ऐसे बड़ी ला कर रखूँ वेस्ट कर लूँ। ध्यान से लगाना बटर पेपर पे, क्योंकि बटर पेपर जो है बटर पेपर कहते हैं। और नहीं फिर से लाइट को बंद कर जाता है, मत करा करो प्लीज भाई यार, मुझे कहना पड़ेगा अपनी मॉम को कि मॉम ये मेरा भाई लाइट बंद कर जाता है।
मेरा भाई बड़ा खराब है, मैं क्या करूँ? शरारती नंबर वन, अब क्या करूँ? वीडियो को मैं ना फास्ट कर लूँगी ना, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि असली वीडियो का उनकी वीडियो में क्या हो रहा है? सो एक साइड चिपक गई है, ये पेपर जो है हार्ड है, इसलिए आराम से क्या आराम से करना काम। ला 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 ला, मैं दूसरी साइड पे टेप लगा रही हूँ क्योंकि वो साइड से घूम नहीं आ रहा, इसके ऊपर दूसरा पेपर लगाना चाहिए। अब मैं ना इसको थोड़ी सी साइड से काट रही हूँ। मैं ब्लैक पेपर को इसकी साइड पे रैप करूंगी, आधा ही अभी रैप हुआ है, रैपिंग हो गया क्या मेरे को लगता है, कहते हैं कि इसकी ऐसी है। थैंक यू, शुक्रिया। इसको ऐसी करके नीचे को देन ऊपर, जैसे गिफ्ट को रैप करते हैं ना आप, वैसे इसको उनकी रैप कर सकते हैं। एक तो की गिफ्ट रैपर की सब गिफ्ट रैपर समझ लो, नहीं होगा। फर्स्ट स्टिच से इसका इसको कैच के साथ कट करूँगी, कहाँ पर चले गई है, कभी कुछ घूम जाता है कभी कुछ घूम जाता है। जब रैप हो जाएगा फिर मैं आपको बता देती हूँ रैप कैसा लग गया। अच्छा वैसे मैं बताऊँ ना, वैसे ये फेविकोल की छोटी बॉटल भी आती है 5 रुपीज़ वाली, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो को यूज करने के लिए। सो गाइस, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरा पिनहोल कैमरा जो है डन हो चुका है, सारा काम यही तो हो चुका है, ब्लैक पेपर लग चुका है राइट साइड, यहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा इसलिए रखा था बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मेरा यहाँ से फट गया, कुछ बहुत दुख हुआ उस वक्त, तो फिर ये ना कोई आदत समझ गया, फिर भी मैंने कोशिश की थी, आप देख नहीं सकती, आगे आकर बताती हूँ। ये देखो यहाँ से थोड़ा सा फट चुका है, तो मैंने फिर सोचा कि मैं इसको कवर कर लूँ, कुछ नहीं कवर हुआ। लास्ट पॉइंट जो मेन पॉइंट है, इसका सेंटर करना है, इसको सेंटर में आपने एक पिन करना, होल करना है, कोई भी अन चुके ना कि नहीं चलता, ध्यान से करना बिकॉज की ये जो होल है वो ना वो नीचे जो कार्डबोर्ड है बॉक्सेस में भी जाकर हो जाए। मैंने थोड़ा सा डॉट लगा दिया, अब मैं थोड़ा डॉट को हाईलाइट करने के लिए वो है पेन से, चलता है हाँ जीवन में नहीं चलता, जो मैं
इस पेन की मदद से ये पेन में जो क्या है पता नहीं चलता क्या यूज करूँ अभी लाती हूँ पेंसिल के साथ करके देखते हैं हम मेरी पेंसिल नहीं हो रहा नाइफ के साथ करके देखते हैं और की जगह मैं बीच में नाइफ को यूज कर लिया गलती है अभी गलती गलती हो रही है मतलब कोई गलती सर्कल हो जाएगा गंदी गलती थी सो माय पिन होल कैमरा भी डन हो चुका है मैंने निश्चल भी कर लिया है ठीक है मैंने सेंटर में होल किया है कि इसका व्हाइट वाला दिख रहा है बिकॉज ये बटर पेपर है कि मतलब बटर पेपर बीच में दिख रहा है सो मैं 5 मिनट अगेन करती हूँ मैं लाइट ऑफ करूँ इट वर्क्स आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो दिख रहा है लाइट ऑफ करके आती हूँ कहीं मैं चाहूँ देख लो ये कैसा लग रहा है मैं लाइट ऑफ करके फिर बताती हूँ आपको मैच बॉक्स ऑन करके आपको आगे वाली जो रिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा दिख जाएगी आपको दिख रहा है ना देखियो देखियो वाओ इतना ज्यादा दिख रहा है सो गाइस मेरा पिन होल कैमरा जो है गाइस मेरा पिन होल कैमरा डन हो चुका है अब मैं आप रेडी हूँ अपने स्कूल में इस कैमरे को शू करवाने के लिए हाँ आई एम सो एक्साइटेड सो गाइज अगर आपको मेरी पिन होल कैमरे वाली की बैग का आइडिया अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप मेरे चैनल पे अभी अभी न्यू हो तो सब्सक्राइब करना और मेरी प्रीवियस वीडियोज मैंने इससे भी पहले 4 वीडियोज आनी है वो वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि मैं न्यू बिगनर हूँ ना यूट्यूब पर इसलिए गाइज बाय गाइज और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना कमेंट करके बताना कि कैसा लगा बाय गाइज Pinhole camera.